जी दोस्तों, सिक्योरिटी पावर डिवीजन के अहकाम की रोशनी में जो पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी कड़ी का ये मंजर है। हेस्को सीओ एसी सर्कल 1 जीएम साहब की हिदायत के मुताबिक एक्सएन गाड़ी खाता, अमजद शेख साहब एसडीओ गाड़ी खाता और सर्कल की टीम, पुलिस के लोग इनके साथ मिलकर एक कच्चे किले का इलाका है जहाँ पर ये डायरेक्ट एलटी चल रही थी। इधर रेड किया इलाके में, इस इलाके में ये एलटी डायरेक्ट चल रही थी। एक्शन साहब से आए बात करते हैं इस बारे में, एक्शन गाड़ी खाता जनाब अमजद शेख साहब का क्या कहना। जी सर, सलामुअलैकुम, मैं अमजद शेख, मैं एक्शन गाड़ी खाता हूँ। यहाँ पे मैं सेक्रेटरी पावर एनर्जी और सीओ साहब के अहकाम पे और मेरे एसी जलाली नब्बासी एसी हैदराबाद और मेरे एसडीओ साहब मेरे साथ की क्यादत में हम यहाँ पे ऑपरेशन मकानी पाड़े में पता चला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुल चल रहे हैं और कोई पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे आज ऑपरेशन किया है, पुलिस मकानी पाड़े की हमने पुलिस ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब ऑपरेशन किया है। ये पूरा स्पैन करा दिया है, इससे हमारा तकरीबन 4 स्पैन का जो कंडक्टर है वो हमने उतार दिया है और इंशाल्लाह ये रिकवरी होने के बाद और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बंदे भी नॉमिनेट करें जो इनको अरेस्ट किया जाए और हमें जैसे पता चलेगा तो इंशाल्लाह हम थाने में बहुत दर्ज करा के। जी दोस्तों, जैसा कि एक्शन गाड़ी खाता की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि बिजली चोरों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर सूरत जो है बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, कानून नाफिज करने वालों के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन के अंदर हेस्को की टीमों का भरपूर साथ दे रहे हैं। हेस्को की जानिब से ही आपको दिखा रहा हूँ कि जो बिजली चोरों की जानिब से जो केबल इस्तेमाल किया जा रहा था, इस केबल को भी जो है काट कर हैंड ओवर कर लिया गया है। और आपने एक्शन गाड़ी खाता की भी बात सुनी, उनका यही कहना था कि बिजली चोरों को किसी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता हुआ चलूं कि हेस्को पूरे रीजन के अंदर जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला बिजली चोरों के खिलाफ जारी है और हेस्को का यही अजम है कि बिजली चोर दुश्मन हमारा। शुक्रिया।